ये गोल्डन टेक्चर 3D कैसे बनाए जाते हैं, चलो देखते हैं दोस्तों वीडियो में। तो ये टेक्चर बनाने के लिए 9 इंची की दूरी के हिसाब से इस तरह से आपको खड़े में 1/2 इंची की डबल टैप लगा देनी है दोस्तों, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह। और आड़े में भी 9 इंची की हिसाब से मास्किंग टैप लगानी है, जैसे खड़े में 9 इंची और आड़े में भी 9 इंची, यानी कि 9x9 इंची के हिसाब से आपको भी इस तरह से मास्किंग टैप लगा देनी है दोस्तों। और हर खाने में आपको 3 इंची के हिसाब से 2 मार्किंग लगा देनी है, 2 मार्क लगाना है 3-3 इंची के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके ऊपर हमने आड़े में एक खाने में आड़े में इसको 3 इंची के हिसाब से 2 टैप लगाई है, और खड़े में भी 3 इंची के हिसाब से मास्किंग टैप लगाई है दोस्तों, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे खड़े में 2 टैप और आड़े में भी 2 टैप बिल्कुल इसी तरह। देखिए यहाँ पे देखिए आड़े में 2 टैप लगानी है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं, फिर नीचे में भी लगाया इस तरह। आप भी इसी तरह से मास्किंग टैप आप लगा सकते हैं दोस्तों। फाइनल हो जाने के बाद ये टेक्चर बहुत ही शानदार लगेगी और आपको बिल्कुल पसंद आएगी दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों पहले से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट होके जाऊं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाता रहूं दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे वीडियो में दिखा रहा हूं बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है दोस्तों। और ये है रॉयल प्ले गोल्ड, जी हाँ रॉयल प्ले गोल्ड। और ये है कॉटन कपड़ा, कोई भी वेस्टेज कपड़ा अपने घर में जो कॉटन है वो आप ले सकते हैं। इसको आप ढक्कन में थोड़ा सा गोल्ड रॉयल प्ले कलर निकालने के बाद इस तरह से आपको कॉटन कपड़ा भिगा के आपको इस तरह से खींचना है, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार। जहाँ पे खड़े में टैप लगाई है यहाँ पे आपको इस तरह से खींचना है दोस्तों। आपको कपड़े में ले लेना है, और इस तरह से जैसे हम लोग जो फिगर बनाते हैं रेशा खींचते हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार आपको खींचना है दोस्तों। टेक्चर बहुत ही शानदार होने वाली है, लेकिन क्या करूं दोस्तों, मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूं और शूटिंग जो मैंने किया है एक साधारण सा मोबाइल से कर रहा हूं दोस्तों। इस वजह से शायद आपको किस तरह की लग रही है मुझे पता नहीं, लेकिन आप जब ये टेक्चर बनाओगे और अपनी आँखों से देखोगे तो अपने आँख पर आप भरोसा नहीं कर पाओगे कि इतनी शानदार टेक्चर कैसे हो सकती है, क्योंकि इतनी शानदार टेक्चर और इतनी आसानी से बन जाती है दोस्तों। ये टेक्चर बनाने में मुझे कोई मेहनत नहीं लगी, लेकिन टेक्चर बनाते हुए वीडियो शूट करना, उसको एडिटिंग करना बहुत मेहनत का काम है। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए बनाता हूँ कि मेरे जो नए नए पेंटर भाई लोग हैं और अच्छी से अच्छी टेक्चर बना नहीं पाते हैं, तो उसको टेक्चर बनाना एकदम आसान तरीका सिखाऊँ, यही सोच के मैं आपके लिए ऐसी शानदार टेक्चर लाता रहता हूं दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लग रही है तो आप अगर नए हैं तो चैनल पे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप पुराने हैं और पहले से आप सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। तो ऐसी वीडियो मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ, इसीलिए अब भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। Thank you.
रेशा खींचते हैं वैसे इस प्रकार खींचते हुए आगे बढ़ जाना है दोस्तों। देखिए पूरे खाने हो जाने के बाद टेक्चर किस प्रकार की लग रही है आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। और अभी इस टेक्चर के ऊपर एक कुछ नया परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो ये है गोल्डन स्प्रे दोस्तों, ये गोल्डन वाला स्प्रे है, इसको है ना आपको हल्के हल्के सावर करना है। देखिए दोस्तों मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको, सावर करने से पहले अच्छी तरह से हिला देना है और इस प्रकार दूर दूर मात्रा में आपको इस तरह से एक तरफ से आपको हल्के हल्के कलर स्प्रे करते हुए आगे बढ़ना है। टेक्चर बोले तो बहुत ही शानदार और बहुत ही आसानी से निकल आएगा दोस्तों। देखिए वहाँ थोड़ा ज़्यादा कालापन जो दिख रहा था ना, तो रेशा खींचते वहाँ से नीचे का जो बेस कोट जो हमने ब्लैक वर्क लिया है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रे लग जाने के बाद बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों। पहले हमने JSW का ब्लैक कलर ले लिया है, अभी बता देते हैं बेस कोट आपको JSW का ब्लैक लेना है जो हमने वाटर बेस में लिया है। चाहे अगर आपको वाटर बेस में ना मिले और आप ऑयल पेन भी ब्लैक वाला इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये टेक्चर बनाने के स्प्रे जो कैसे कर रहा हूँ, नई स्प्रे क्या कैसा दिख रहा है और स्प्रे करने के बाद किस तरीके का लगेगा ये आप वीडियो में एकदम आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने ये फिर से ब्लैक स्प्रे ले लिया है। देखिए दोस्तों एक कागज का पुट्ठा लेने के बाद इस तरह से हमने इस तरह से स्प्रे कलर किया है और खड़े में इस तरह से नीचे ऊपर किया है और आड़े में हमने दाहिने बाईने किया है। देखिए दोस्तों दाहिने बाईने इस तरह से किया है और खड़े में ऊपर नीचे इस तरह से ही आपको स्प्रे करके आगे बढ़ना है ताकि थोड़ा सा 3D लुक आए। अगर आपको ज़्यादा 3D लुक चाहिए तो आपको हल्के हल्के मात्रा में ऊपर तक थोड़ा सा करना है। देखिए दोस्तों मेरे को है ना थोड़ा हल्का ही 3D लुक रखना था, अगर आपको भी हल्का ही थोड़ा 3D लुक करना है तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ इसी प्रकार आपको स्प्रे करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। देखिए दोस्तों आज की टेक्चर बहुत शानदार होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, पूरा देख लेना ताकि आपको भविष्य में ऐसी टेक्चर बनाते वक्त आपको थोड़ी सी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार की टेक्चर बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो, फिर आप कमेंट में बोलते हैं कि भाई समझ में नहीं आया और आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई आपको टेक्चर बनाने में कुछ मुश्किल आती है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा स्प्रे हो जाने के बाद आपको इस प्रकार मास्किंग टैप रिमूव कर देना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह से रिमूव करने के बाद बहुत ही शानदार टेक्चर आपको लगेगी दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और हाँ एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की हमेशा सेवा करते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी दौलत और कोई है तो अपने माता पिता ही है दोस्तों। देखिए कुछ फाइनल टेक्चर हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार की लगेगी दोस्तों, क्योंकि मैं टेक्चर बना रहा हूँ और रात हो गई है, अंधेरा थोड़ा सा हो गया है और लाइट के उजाले में कुछ इस प्रकार की टेक्चर लगेगी दोस्तों, लेकिन दिन में बहुत ही शानदार लगेगी। और मैं वीडियो भी बनाया हूँ तो अपना साधारण सा मोबाइल से बनाया हूँ दोस्तों, इसलिए इस प्रकार की टेक्चर लग रही है दोस्तों। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है दोस्तों और आप मेरे चैनल पे नए और पहली बार देख रहे हैं तो अब भी आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर ऑल करिए ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो हर रोज़ अपने चैनल पे डालता हूँ। और आप ऐसी नई नई टेक्चर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो किस टेक्चर से देखना चाहते हो इसी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों।